जन साथियों, किंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है नए सेशन के साथ। साथियों, आज का पोटेशन क्या है? जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। साथियों देखो, इसके साथ आपको बता चुके हैं साथियों कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से इस सेशन की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। साथियों देखो, पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो, अब बात कर रहे हैं अपन 1000, 10% छूट 90, 15% छूट 85/100। ठीक है, बताइए साथियों, दो जीरो से दो जीरो कट गया और इसका भी 100 आएगा, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया। 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, 72 × 4 = 76। अब बताए खर्च टोटल मिला दिया, आपने तो 776 में साथियों 35 मिला दिया, तो साथियों कितना, 5 × 5 = 10, 6 × 3 = 10 और 1 = 800। 800 लाभ परसेंट पूछा है तो ये आ जाता है जो आपका सीपी, टोटल खर्च मिलाकर 800। और अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो जो अंकित मूल्य आपका 1000 है वही क्या रहेगा, आपका विक्रय मूल्य। तो 1000, 800 से 1000 में कितने का डिफरेंस, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 2 / 8 कितना, 8 गुणा में कितना साथियों, 100। 2 × 4 = 8, 4 से बताइए 100 काटा साथियों कितना आया अपना, 25%। कितना करेक्ट आंसर आया साथियों, 25%। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, की एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है और वही 70 रुपये पैक करवाने के खर्च करता है और 2000 में से इसे बेच देता है, दुकानदार का लाभ परसेंट बताओ। देखो कहानी जो अभी स्टार्ट से की वही सेम टू सेम, 2000 का 10% 90, 15% 85 बटे 100 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 16 = 1, 2 × 8 = 16 = 17, 9 × 7 = 63, 6 × 9 = 10, 1530। कितना आ रहा है साथियों, 1530। बताइए यहां तक जब 1530 की बात आई, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो बात आई, देखो यहां तक आप समझ गए। अब बात करते हैं 1530 आपका क्या बनता है, सीपी 90, 15% छूट 85, 2 × 0 = 2, 5 × 10 = 8, 2 × 16 = 17, 17 × 9 = कितना, 9 × 7 = 63, 6 × 9 = 10 = 153 और एसपी आपका कितना साथियों, 2000। 2000 में से, 2000 में से साथियों 1530 जाएगा, 6 × 4 तो 447 बटे 1530। बताइए यहां तक कोई डाउट, गुणा 100, जीरो से जीरो, कुछ कट रहा है क्या, सात की टेबल में 7 × 14, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 45, 7 × 6 = 42, 7 × 9 = 63, 9 × 3 = 21, 3 × 6 = 12, 2 × 14 नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 2000 का 90, 15 = 85, 70 रुपये पैक,
अरे डाउट 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 नहीं वो साथियों सॉरी, खर्च को तो जोड़ा ही नहीं अपन ने। पंद्रह सौ तीस में खर्च कितना? 70। 0 7 3 10 5 1 6 6 1600। अब आपका सीपी 1600 है और एसपी आपका 2000 रुपये है। 2 0 से 2 0 कितने का डिफरेंस? 4 का, बट्टे कितने पर? 16 पर, गुणा कितना? 100। 4 चौक 16, 4 से 100 काटे कितना आंसर आया? 25। कितना आया? 25। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? बात करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन देखो, एसएससी सीएचएसएल टायर वन आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? देखो इस बात का ध्यान रखा करो, कुछ चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया कि विक्रय मूल्य बराबर हमेशा अंकित मूल्य के साथ चलता है, गुणा 100 माइनस बट्टा जो भी रहे, बट्टे 100, 1 बट्टा 2 बट्टा 3 बट्टा, ये मेथड आपको बताया मैंने। देखो कंप्यूटर का मूल्य कितना है? 39,672। अंकित मूल्य कितना है? 48,000। 13% छूट 87/100। दूसरी छूट ज्ञात करना है तो अपने क्या मानेंगे? 100 माइनस x/100। यहां तक कोई डाउट? 3 0 से 3 0 बताइए कट गए कि नहीं, 48 से काट सकते हैं कि नहीं? ये टेबल काटना आपको आना चाहिए, काट लोगे तो 87 से काट दिए कितना? 9.5 बराबर कितना? 100 माइनस x/10। नीचे भी 10 सौ आया तो बताओ 0 से 0 कट गया, तो 95 बराबर 100 माइनस x, 100 में से 95 गए तो x बराबर कितना है? 5। आपको सर इतना फास्ट कर दिया तो आपको जरूरी नहीं कि 48 से काटो, आप 2 से भी काट सकते हो, कोई डाउट? तो टेबल खुद को कैलकुलेशन करना है सर, मुझे तो बताना है कि आपका बेसे इस टाइप बन गया, गुणा भाग आपको करना है, किस तरीके से करोगे आप? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे सवाल देखो आप करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। कुर्सी का मूल्य कितना है? 578। अंकित मूल्य 800। 15% की छूट 85। दूसरी छूट ज्ञात करना है तो क्या मान लेंगे? वही अपन 100 माइनस x/100 में कितना साथी हो? 100। 2 0 से 2 0 कट गए कि नहीं? अब बताओ साथी और कट रहे कुछ? 17 3 51 17 चौक 68, 17 5 85, 17 3 51 6, 17 चौक 68, और कट रहा है 5 से काटा तो कितना आया? 20। साथियों 4 से काटा, 4 2 8, 4 5 20, 2 से काटा बताओ तो कितना? 17। 17 का 5 में किया कितना? 85 बराबर 100 माइनस x, तो 100 में से 85 है साथियों, कितना बचा? 5। बताइए कोई डाउट? 100 में से 85 का सॉरी 15, कितना बचेगा? 15। तो आप खुद बताइए, यहां सिर्फ गुणा भाग है, गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25% x% की किरमिक छूट के बाद 612 रुपये बेचा जाता है, अंकित मूल्य कितना अपना? 960। 612 अंकित मूल्य 960, 25% छूट 75, दूसरी ज्ञात करना साथियों तो 100 माइनस x/100 कितना आपका? 100। बताइए साथियों कोई डाउट? 25 3 75, 2500 को 100, 4 से काटा, 4 2 8, 4 चौक 16, ठीक है? 3 से काट दिया, 3 2 6 भागना 3 चौक 12, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 2 से काटा 12, 2 से काटा कितना? 5, 12 1 12, 8 बचे 12 7 84, 17 5 85, साथियों 85 बराबर 100 माइनस x। तो जरूरी नहीं जिस टाइप से मैंने काटा आप और अलग तरीके से काट सकते हो,
कैलकुलेशन करना तो आपको ही सीखना साथियों, आपका गुणा भाग किस तरीके से, अगर मैंने इधर बताइए 12 से काटा तो आप 2 से भी काट सकते हो, बस कैलकुलेशन को देखना है कि मैं आपका बेस बना कैसे रहा हूं सवाल का। अगला सवाल देखो, एक वस्तु को 25% और x % की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है। देखो 288 बराबर 480, 25% 100/75/100, 100 माइनस एक्स 25 75 2500 को 100, 4 × 4 = 8 0, 0 से 0 कट गया साथियों, 3 से काटेंगे 3 × 9 = 27, 1 × 3 = 18, 12 × 8 = 96, 8 × 10 में किया साथियों तो 80 बराबर, बताइए 100 माइनस एक्स, 100 में से 80 के साथियों कितना बचा 20 बराबर एक्स, एक्स बराबर 20, बताइए कोई डाउट यहाँ तक, बताइए कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा हो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बिल्कुल एक जैसा सवाल है बताइए, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, तो कोई डाउट ये आपको करना है, कन्फ्यूजन मत होना कि लैंग्वेज अलग आ जाए साथियों। एक ये पिछला सवाल जो मैंने किया आपको स्टार्टिंग में, तो आपको सर एक जैसा सवाल ये दोनों की इसी टाइप पे आपका ये क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद का विक्रय मूल्य लागत मूल्य के 50% के बराबर है, पहली छूट 20%, दूसरी छूट बताना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, एक को वही 100 मान के चेक करना है, तो आपको ये क्या करना है, कोई डाउट। दूसरा सेम टू सेम सवाल देखो, आप एक जैसा सवाल मिला कि नहीं, अगर आपको लगेगा कि सर हमसे बना नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको एक बार फिर आपको दोबारा बताएंगे। एक जैसे सवाल है, अगर मैं कहूँ आपको सर एक सवाल और देख लो आप कि दशलम वाला, सर आपने दशलम वाला सवाल नहीं बताया। देखो एक पुस्तक का कितना है 320 रुपये है, और एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 288.80 रुपये को भुगतान करता है, देखो 320 10% 90/100 गुणा दूसरी निकालना है, और बराबर में 244.8। अब बताओ साथियों, आप खुद इस सवाल को कर सकते हो कि नहीं, बस देखना है कि करना कैसे है। नीचे कितना बताइए 100, तो बताइए 100 से 100 क्या हो गए, कट गए, 10 से 10, 10 से 10 कट गए कि नहीं, 9 से काट दिया, बताओ 9 × 2 = 18, 6 × 9 = 63, 9 × 2 = 18, बताइए कोई डाउट, काट दो कितने से काट दें, 2 से काटा 16, 2 से काटा कितना 5, अब बताइए 7 × 4 = 11, 16 × 1 = 16, 7 × 4 = 11, और 8 × 16 = 112, 17 × 5 = 85 बराबर 100 माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना है 15। तो ये बताओ ये सवाल और उस सवाल में कोई आउट है कि एक जैसे सवाल आपको कहें कि नहीं सर ये अलग दिखाई दे रहा है, तो एक जैसे सवाल हैं तो कन्फ्यूजन मत होना। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये, उस पर 10% की छूट प्रभावित की जाती है, कितनी छूट अतिरिक्त की जाना चाहिए, तो ऐसा कन्फ्यूजन मत हो जाना, 1272 अंकित मूल्य 1500, 10% 90, कितनी अतिरिक्त, तो प्लस का लगा सकते हो क्या, माइनस का छूट कह रहा है ना, अतिरिक्त कर लो चाहे कम कर लो कोई डाउट नहीं, यहाँ 100 और यहाँ 100, बस कन्फ्यूजन ये है कि आपको काटना आना चाहिए 0 से 0। अब बताओ खुद काट सकते हो कि नहीं, 4 × 3 = 7, 9 से काट दिया, देखो 9 × 1 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 7, 9 × 8 = 72, कोई डाउट, काट दो 5 से 5 = 15,
पाँच दूनी दस, तीन से काट दिया, तीन तरका नौ, तीन चौको बारह, तीन चिंग अठारह, छियालीस दूनी बानवे बराबर सौ माइनस एक्स। सौ में से बानवे गए साथियों, कितना बचा? आठ परसेंट। कितना बचा? आठ परसेंट। बताइए कोई डाउट साथियों? बात करते अगला सवाल। अब बताओ एक जैसे सवाल कर लोगे कि नहीं? अब एक जैसे सवाल है तो बताइए साथियों कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल एक जैसे सवाल, ये प्रैक्टिस करने के लिए एक जैसे सवाल। बिल्कुल बताओ, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगे आपको सर के कम समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो। एफसीआई बैंक का क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस, दो, तीन प्रैक्टिस करने आपको दिए, चार, ये वाले पांच, छः, सात, आठ, आठ, इतने सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, और छः से सात सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए। अगर ये सेशन आपको पसंद आया साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ नए चैप्टर में। अगर इसका जो क्वेश्चन और भी है तो नए सेशन के साथ लेके आएंगे साथियों। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।